मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे है, हुकूमत की और हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों की, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन में है पार्टी इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस हवाले से हम आज दो चार बातें करेंगे और उससे आपके तवज्जो उन मामला की तरफ लेके जाएंगे जो इस टाइम पे बहुत ही अहम नौीयत के हैं। मसलन सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है मसला, वो है लोड शेडिंग का। तो अब जो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने दिया दिया है कि जी आप जुलाई के महीने में हमारे पास तेल खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, लिहाजा जुलाई में हम कंपनियों को पैसे नहीं दे सकेंगे, जिसकी वजह से जुलाई में जो लोड शेडिंग है वो बढ़ेगी, उसका दौरानिया बढ़ जाएगा। जो अभी करंटली लोड शेडिंग का दौरानिया है वो है 8 से 10 घंटे, तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये आगे जाएगा 10 से 15 घंटे, 15 से 18 घंटे तक भी जा सकता है, क्योंकि ये तो शहरों की बात हो रही है, 10 से 15 घंटे, देहातों में तो इससे ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा जो है वो है आपका बचत। तो ये जो अवाम को कह रहे हैं जी आप अपना रोटी कम करें, चाय की प्याली कम करें, और खुद जो है शहाना खर्चे कर रहे हैं इनके, तो बंदा खुदा इनसे पूछे कि भाई आप किस बिरतवे कह रहे हो आवाम को कि जी वो कमी लाए अपने अखराजात में और हम जो है ना शाहाना खर्चियाँ करें। आप सरकारी बजट से गाड़ियाँ ले रहे हैं, पेट्रोल डबल कर रहे हैं, अपने वफाकी वज़रा काबीना बढ़ा रहे हैं आप, तो वो जो काबीना बढ़ रही है वो भी तो आखिर बजट के पैसों से ही चल रही है ना भैया, वो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रही है, वो कौन सा आप अपनी जेब से देकर जा रहे हैं, या जो आपके लंदन अपार्टमेंट्स हैं आप उनसे पे कर रहे हैं आप सारी सी बात है हमारे ही पैसे से उन्हें अपना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको पेट्रोल दे रहे हैं, उनकी अखराजात जो है ना वो हमारे ही पैसों से पे हो रही है ना। तो जो हमारे वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने रिसेंटली 6 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है, और जो पार्लियामेंट का बजट है तो वो भी 5 अरब रुपए इन्होंने बढ़ाया है पिछली गवर्नमेंट की नस्बत, और इस टाइम जो इनकी वफाकी काबीना की तादाद है वो इन्होंने 4 वज़रा और शामिल किए हैं, तो वो हो गए टोटल 35 वफाकी काबीना के और 4 वज़रा ममलिकत हो गए, तो ये तकरीबन 39 38 39 के करीब इनकी तादाद बनती है। जो पीटीआई गवर्नमेंट में थी कैबिनेट की वो थी 32, उसमें से तकरीबन 29 या 28 यानी 28 या 29 जो थे वो वफाकी वज़रा थे, और 3 से 4 जो थे ना वो वज़ीर ममलिकत थे। तो अब इनका ये तवाज़ना देखें और इनकी शाहाना खर्चियाँ देखें और आवाम से इनकी अपीलें देखें, तो बंदा खुदा के क्या हाँ लेके जा रहे हैं हम ये। और दूसरी जो आजकल जो मतलब पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं उनमें जो इनकी अलायंस पार्टीज़ हैं मुत्तहिदा, जैसे कि अपना MQM हो गई, JUI हो गई, जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, और दो तीन और पार्टियां बलूचिस्तान पार्टी हो गई, तो उन्होंने मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं उन पार्टियों की तरफ से कि हम इस हकूमत से जो पिछली हकूमत थी ना उसमें बहुत ज़्यादा खुश थे, हमें बजट्स मिल रहे थे जी, हमें उसमें तरक्याती फंड्स मिल रहे थे, हम उनमें जो है ना अपनी आवाम के आगे सुरखरू हो रहे थे, तो इनकी वजह से हम ना अपनी आवाम के आगे सुरखरू हो रहे हैं, और हमें अपनी तरफ से जो कहा गया था मैंडेट जिस पे हमने इनको वोट्स दिए थे वो मैंडेट भी अब ये पूरा नहीं कर रहे, जो चीज़ हमें कही गई थी उस पे ये अपना पूरा नहीं उतर रहे, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हम इनसे अलायंस तोड़ दें। ये सारे की सारी टोपी ड्रामी है, टोपी ड्रामा रचाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाने के लिए किस इशू से, एक तो महंगाई से हटाने के लिए, दूसरा एहतजाज से हटाने के लिए, और तीसरा ताकि ये एक तरफ से इनकी जो डाइवर्शन है ना वो डाइवर्ट कर दी जाए इनकी सोच को, कि अगर कल को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अब जब बजट आएगा उसका इतलाक होना है हर एक चीज़ पर, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब ये रिसेंटली सोच रहे हैं जी हमने ऑयल प्राइसेस बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है। अब जो इन गवर्नमेंट से आने से पहले इनके वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा था कि हम बिजली 12 रुपये यूनिट कर देंगे, 12 रुपये यूनिट कर देंगे, उसमें से भी हम 2-4 फिर भी बचा लेंगे, 2 रुपये 3 रुपये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन्होंने आते ही जो है ना वो 24 रुपये बिजली बढ़ाई है, बजाय इसके कि ये 12 रुपये कम करते, जो पहले से कीमत चल रही थी उससे भी बढ़ाई है 12 क्या 24 रुपये। तो आगे जाकर फिर इन्होंने मजीद इस पर बढ़ानी है कीमतें, अब जो रिसेंटली आएगी 4 से 5 4 रुपये 3 से 4 रुपये गालबन उन्हें लाजमी ही बढ़ानी ही बढ़ानी है इस दफ़ा कीमतें। तो आप इन चीज़ों को मद्दनज़र रखें, और ये अब आप आवाम से आपके खुद इरादियात आपका ख़त्म कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं ताकि एक तो आपका ये माइंड डाइवर्ट कर देंगे, जो इनके बयान आ रहे हैं अलायंस पार्टीज़ की तरफ से, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से आ रहे हैं, ANP की तरफ से आ रहे हैं, और 2-4 और पार्टीज़ भी हैं, मसलन असलम भूतानी साहब ने भी बात की है, 2-4 सेनेटर्स भी हैं, वो भी इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जी हमें जो वादे किए गए थे वो हमारे पूरे नहीं हो रहे, हमें जो देना था इन्होंने मतलब एक शेयर हमारा डिमांड थी वो डिमांड भी हमारी नहीं पूरी कर रहे। तो वो क्या है, वो सारा का सारा ही एक टोपी ड्रामा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किस हवाले से, वो इस हवाले से कि इनकी तवज्जो आवाम की हटाई जाए असल इशूज़ से। एक महंगाई सबसे बड़ा मसला आ रहा है, दूसरा लोड शेडिंग आ रहा है, जो इनके वज़ीर आज़म हैं PMLN के शहबाज शरीफ सलाम मोहतरम, तो उन्होंने कहा है जी जुलाई में महंगाई और जो लोड शेडिंग है इनका दौरानिया बढ़ेगा, और जो अब मुल्क में अफरा तफरी है वो भी इससे ज़्यादा फैलेगी, तो ये आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि ये आपको असल इश्यूज़ की तरफ ना आने दें। तो लिहाजा आप अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करें कि वो इस अपना अगर महंगाई कम नहीं कर सकती थी तो वो क्यों आई गवर्नमेंट में, उन्होंने ये तत्ते तवे पे पैर क्यों रखा या पाँव क्यों रखा या क्यों बैठे हो, जब उन्हें पता था ऐसी चीज़ों का कि आगे ये चीज़ है,
तो वो स्टडी करके नहीं आए थे ये। पहले तो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करते थे ना, तो वो जिस तरह एक बंदे ने कहा ना कि कुर्सी का फर्क है, जब अपोजिशन वाले हुकूमत में होते तो कहते हैं जी महंगाई आलमी है, जब वही हुकूमत वाले अपोजिशन में जाके बैठते हैं तो कहते हैं जी हुकूमत महंगाई कर रही है। तो वो कुर्सी के चेंज का मसला नहीं है, ये एक यूनिवर्सल इशू है, थी महंगाई लेकिन उनको कंट्रोल जो पिछली हुकूमत ने किया हुआ था, अगर किस वजह से कंट्रोल किया हुआ था, ये कहते हैं जी इन्होंने IMF से मुआहदे किए थे, जो पिछले दिनों गालिबन मरियम नवाज साहब ने भी पढ़कर सुनाए थे। तो भाई अगर उन्होंने मुआहदे किए हुए थे तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी हमने कड़ी शरायत पर उनसे मुआहदा तय पाया है, या हमारे पास जो उन्होंने शरायत भेजी हैं वो निहायत सख्त हैं, तो वो आप क्यों नहीं बता रहे वो कौन सी शरायत हैं, आपने कौन कौन से इदारे उनके पास गिरवी रखवा दिए हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी मोहतरम गौर कीजिएगा और इन चीज़ों से डिमांड कीजिएगा इन चीज़ों की, कि भाई आप जो मुआहदा करने जा रहे हैं उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और क्या क्या उनमें बातें हुई हैं। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है, अपने और अपने इर्द के लोगों का ख्याल रखेगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखेगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए और ऐसे पोलिटिकल डिस्कशंस के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपसे दोबारा इसी तरह की गुफ्तगू के लिए हाजिर होंगे। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।